आने वाली है सब की। हम तो सीक्वेंस शूट नहीं करते हैं, आपको पहली खबरें मिल जाती है। बाप रे बाप, बहुत तेज हैं आप। हाँ मतलब श्रद्धा हमेशा से ऐसी रही है कि उसके काम में कोई दखल अंदाजी ना करे, कोई अपने आप को ओवर स्मार्ट ना समझे। और प्रीति सुमन है जो कभी मतलब अपनी बाज आती ही नहीं है, मतलब कितना भी सिखा लो, कितनी भी उनके साथ मैंने चीज़ें कर ली हैं, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। तो आज भी उन्होंने वही चीज़ की, उन्होंने मुझे ताना मारा कि मैं तो व्रत नहीं रख सकती हूँ और ये सब। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अब मुझसे आपने पंगा ले लिया है तो फिर मैं भी दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। बड़ा बोल रही हूँ ना, चांद देखोगी, चांद देखूंगी, ऐसा कुछ कर दूंगी कि चांद देखने के लिए आंखें खुलेंगी। मेन टारगेट कोसी है, मेन टारगेट एक्चुअली प्रीति सुमन के साथ साथ है ना। हाँ कोसी प्रीति सुमन के साथ साथ एक्चुअली पूरा परिवार इस चीज़ में झुलस जाता है, विच इज़ सो बैड बट इट्स ओके। अपना काम निकलवाने के लिए अगर दो से तीन, तीन से चार लोग जख्मी हो तो चलेगा। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने अपने नाम करवाई हुई है। और आजकल उनका बिहेवियर मेरी तरफ बहुत ख़राब हो गया है, अब वो मुझे शंकर से कंपेयर करने लगे हैं जो उनके पैर की जूती है, और मैं ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती। सो यस, अगर आप मेरे साथ, अगर आप शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ। कुछ कोसी बोल रही थी साड़ियाँ चोरी कर ली हैं श्रद्धा जी, वो तो एक थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट, और कुछ नहीं। थैंक यू।